हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। काम को अगर समझना है, आप भी चाहते हैं कि इस तरह का काम हम भी करें, एकदम सिंपल काम है, ठीक है, एकदम सिंपल काम है, और आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का काम हम भी करें, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बार बार चीज में आपको बताते रहता हूँ कि वीडियो को जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा। इसमें ए टू जेड चीज़ बताया गया है, जो कि सामने में आप देख रहे हैं कि कपड़ा कैसे लगता है, पिलर कैसे बांधा गया है, ठीक है ना। सामने आप देख रहे हैं कि कपड़ा कैसे लग रहा है, पिलर में पिलर कैसे बांधा गया है, इसमें फ्लावर कैसे लगेगा, ऑसिस कैसे लगेगा, पाटा कैसे खड़ा होगा, इस सेटअप को खड़ा कैसे किया जाएगा, ए टू जेट डिटेल है इसमें। इसलिए वीडियो जो है ये आधा घंटा प्लस बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको जो है नहीं समझ में आएगा। पिलर को पहले स्क्वायर में बांध करके उसके बाद इसमें कपड़ा लगाया जा रहा है। अगर सिंगल लंबा कपड़ा हो तो आप सिंगल लंबा कपड़ा भी लगा सकते हैं, अगर नहीं कपड़ा अगर छोटा छोटा हो तो दो ठो कपड़ा छोटा काट करके भी आप लगा सकते हैं। तो पिलर को पहले स्क्वायर में बांध करके उसके बाद इसमें कपड़ा लगाया जा रहा है। तो मैं इसे बता रहा था कि सिंगल अगर कपड़ा आपको लंबा कपड़ा हो सिंगल तो बेटर है, तो आप सिंगल लंबा कपड़ा भी एक मरते ही लगा सकते हैं, अगर नहीं छोटा छोटा कपड़ा हो तो आपको दो मरते लगाना होगा। जैसे कि इसमें छोटा कपड़ा है तो उसको दो मरते बेर में लगाया जाएगा, एक मरते बेर आधा, फिर एक साइड से आधा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसमें एक एक चीज़ जो है बारीकी से अपलोड किया गया है, इसका वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो इस तरह का काम आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के, ठीक है ना। इस तरह का डिज़ाइन आप आराम से उतार सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। तो वीडियो जब भी आप देख लें कि आधा घंटा का बना हुआ है, आधा घंटा का, 15 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो बना हुआ है, तो वीडियो डिटेलिंग ही रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वीडियो का अगर आधा घंटा प्लस हुआ या 20 मिनट का हुआ या 15 मिनट का हुआ तो वीडियो जो है डिटेलिंग वीडियो है, पूरा डिटेलिंग वीडियो रहता है। तो देखिए, इस तरह का वीडियो को अगर आप काम को सीखना है, नया डिज़ाइन का काम है, ठीक है ना, ये नया डिज़ाइन का है, सिंपल काम ही, लेकिन काम जो है नया डिज़ाइन का है। तो उसका फ्रेम का साइज है, जो फ्रेम का साइज है मैं आपको वीडियो के एंड में या बीच में, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, हर एक वीडियो में मैं फ्रेम का साइज बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका भी फ्रेम का साइज मैं आपको बता दूंगा, इसका फ्रेम का साइज क्या है। वीडियो के एंड में हो या वीडियो के बीच में हो, मैं इसका फ्रेम का साइज बता दूंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, और अगर इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ये इसके अलावा अगर आप लोग ये भी सीखना चाहते हैं कि पाटा में कपड़ा कैसे लगता है, फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है, कार्नेशन का गार्डन हो या ऑर्किड का गार्डन हो या लीची पत्ता का गार्डन हो, वो सब कैसे किया जाता है, या उस इसमें कपड़ा कैसे लगाया जाता है, तो उसका भी वीडियो अपलोड है, ठीक है, उसका भी वीडियो अपलोड है। आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे जाना है, ठीक है, मेरे चैनल पे जाना है, मेरे चैनल पे जा करके आपको सर्च मारना है कि ऑर्किड फ्लावर गार्डन कैसे करे, कार्नेशन फ्लावर गार्डन कैसे करें, या ऑर्किड कार्नेशन मिक्स फ्लावर गार्डन कैसे करें, पाटा में कपड़ा कैसे लगाएं, उसी में जाली कैसे लगाएं, इस तरह का अगर लिख करके सर्च मारिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर नहीं, वीडियो अगर आपको मिलने में थोड़ा परेशानी हो रहा है तो उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक मतलब उपाय है, उसका भी एक मतलब सोल्यूशन है, रीज़न में भी आपको बोल रहा हूँ, उसका भी एक सोल्यूशन है। आपको फिर क्या करना है कि आप मेरा वीडियो जब आप देखते हैं तो किसी भी वीडियो को देखिए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद जो है ना उसमें हर एक वीडियो का लिंक दिल होगा, 6 गो कि 7 गो लिंक होगा, ठीक है। तो उसमें जो वेडिंग वर्किंग फ्लावर डेकोरेशन का जो लिंक होगा वो लिंक को आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसमें जो है हर एक वीडियो पार्ट बाय पार्ट बना दिया गया है, ठीक है। उसमें
वर्किंग वाला में जो है टोटल का टोटल वीडियो आपको वर्किंग का ही मिलेगा, तो उसमें जा कर के आप वीडियो को खोज सकते हैं, क्योंकि उसमें वीडियो ज़्यादा नहीं है ठीक है ना। लिंक पे जाइएगा तो लिंक पे वीडियो ज़्यादा नहीं है, उसमें आराम से आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का आप खोज सकते हो। खोजना कैसे है तो जैसे जैसे मतलब अगर पाटा में कपड़ा कैसे लगा जाता है तो उसका थंबनेल होगा, कोशिश में जाली कैसे लगता है तो उसका भी थंबनेल होगा, थंबनेल का मतलब फ़ोटो जो रहता है सामने में ठीक है, वे फ़ोटो होगा। उसके बाद अगर आपको मतलब ऑर्किड फ्लावर गार्डन कैसे करना है या ऑर्किड फ्लावर कार्नेशन फ्लावर मिक्स गार्डन कैसे करना है तो उसका भी फ़ोटो का थंबनेल का थंबनेल में जो है फ़ोटो होगा। तो बस इसी से आपको पहचानना है, और नहीं तो चैनल पर डायरेक्ट सर्च मारिए, वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा। मेरे ही चैनल पर जाकर सर्च मारना है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर यूट्यूब पे जा करके अगर आपको सर्च मारिएगा ठीक है ना, तो बहुत तरह का वीडियो आ जाता है, बहुत तरह का चैनल का वीडियो आ जाएगा, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे चैनल पर्सनली अगर मेरे चैनल पे जा करके सर्च मारते हैं तो आपको वहाँ से पर्सनल मेरा ही वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से आपको किसी की तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कपड़ा लग चुका है ठीक है, कपड़ा लगने के बाद बी सेंटर में देखे थे एक टू आर प्रिंटेड कपड़ा, जो ब्लू प्रिंटेड कपड़ा था। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे क्या किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, अपने आप सब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कपड़ा लगाने के बाद पीछे से जो ब्लू कपड़ा मारा गया है उसके बाद उसको उल्टा करके बी सेंटर में वो पीला पानी पानी कपड़ा है ठीक है, उसके बाद उस पर उसके ऊपर से जो है फिर से पानी पानी कपड़ा वाइट कपड़ा लगाया जा रहा है। आपको बस वीडियो देखना है, मैं बार बार यही बात को रिपीट करता हूँ कि वीडियो आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। अगर काम सीखना है तो अगर चाहते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन का काम हम भी सीखें तो वीडियो को आपको जो है शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है। ये हो गया दूसरा कपड़ा, देखिए कपड़ा लगाने का तरीका देख लीजिए, पीला कपड़ा जो लगा है वो सेंटर में लगा है, और वाइट कपड़ा जो लगा है उसका दूरी बढ़ गया है ठीक है ना, वाइट कपड़ा जो लगा है उसका दूरी बढ़ गया है, अब पीला कपड़ा जो लग रहा है उसका भी दूरी बढ़ रहा है। बात को समझ गए, पहले पीला कपड़ा लगाया गया उस 20 सेंटर में था, उसका दूरी नहीं था ज़्यादा, उसके बाद वाइट कपड़ा लगा उसका दूरी बढ़ गया है, उसके बाद रेड कपड़ा लगा उसका भी दूरी, जैसे जैसे कपड़ा बढ़ रहा है उसे उसे कपड़ा का जो दूरी जो है सब डिफरेंस जो है दूरी जो है उसका बढ़ रहा है ठीक है। बस इसी हिसाब से आपको कपड़ा इसी हिसाब से आपको लगाना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को देखिए आराम से। वीडियो अगर जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा ना, किसी का भी वीडियो हो, वीडियो किसी का भी हो, जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है। अगर काम को सीखना है तो काम को समझना है तब वीडियो आपको एंड तक देखना हो, खास करके जब डिटेलिंग वीडियो हो, समझ गए ना, खास करके जब डिटेलिंग वीडियो हो या डिटेल उसमें बताया गया हो। जैसे कि मान के चले कि कोई कोई वीडियो जो होता है कि मैं फाइनल वीडियो भी अपलोड करता हूँ, डेकोरेशन का फाइनल वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो उसमें भी मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ, उसके मैं उसमें भी उस फ्रेम का डिटेल बता देता हूँ कि इस तरह का फ्रेम इसमें इतना बाय इतना का फ्रेम इसमें लगा हुआ है ठीक है। तो जिसमें डिटेलिंग वीडियो हो या जिसमें मैं फ्रेम का साइज बता रहा हूँ तो उस वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी काम आप करते हैं ना, स्टेज का करते हैं या गेट का करते हैं या गैलरी का करते हैं, तो हर एक काम को, जैसे कि अभी स्टेज का काम ही हो रहा है तो इसको बैक साइड से पंडाल के बैक साइड से बाउंस में जो आराम से इसको बांध देना है। ये चीज़ भी मैं हर एक वीडियो में बोलते रहता हूँ कि फ्रेमिंग को बांधना है बैक साइड में ठीक है, ताकि ये गिरे उड़े नहीं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रेमिंग को बांधना है बैक साइड में ताकि गिरे नहीं। कपड़ा भी लग चुका है, उचिस भी लग चुका है, अब इसमें गार्डन किया जाएगा, गार्डन फ्लावर गार्डन। जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्लावर गार्डन आप यहाँ से भी सीख सकते हैं ठीक है ना, फ्लावर गार्डन जो है आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। देखिए पर सबसे पहले आप देख लीजिए लीची पत्ता कैसे मारा जा रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लीची पत्ता कैसे मारा जा रहा है। गार्डन आप फ्लावर गार्डन आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, देख लीजिए लीची पत्ता पहले देख लीजिए कैसे मारा जा, एक साइड से लीची पत्ता मारा गया है, अब दूसरे साइड से देख लीजिए दूसरे साइड से लीची पत्ता मारा जा रहा है, ये हरा कलर का लीची पत्ता हुआ बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ गार्डन आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, और नहीं अगर पर्सनली आप गार्डन का ही वीडियो देखना चाहते हैं तो बस चैनल पर जाइए और सर्च मारिए,
कि फ्लावर गार्डन कैसे करें, जैसे लीची पत्ता ऑर्किड मिक्स फ्लावर गार्डन कैसे करें, सबका अलग अलग वीडियो है। गार्डन का भी कम से कम 6 से 7 वैरायटी का वीडियो अपलोड है। लीची पत्ता और ऑर्किड मिक्स फ्लावर गार्डन कैसे करें, लीची पत्ता ऑर्किड और कार्नेशन मिक्स फ्लावर गार्डन कैसे करें, ऑर्किड फ्लावर गार्डन कैसे करें, कार्नेशन फ्लावर गार्डन कैसे कैसे करें, हर एक तरह का वीडियो अपलोड है। बस आपको सर्च मारिएगा, आपको वीडियो वहाँ से मेरे चैनल से आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं अगर आप यहाँ से भी सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। सबसे पहले लीची पत्ता मारा गया है 4 गो, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि लीची पत्ता भी मारा गया है 4 पीस, उसके बाद ऑर्किड मारा जा रहा है। अब ऑर्किड देख लीजिए, आप गिन लीजिए कि एक गार्डन में ऑर्किड कई पीस लगता है। और ये वो गार्डन आप सिंगल उसका गार्डन कर रहे हैं अभी फिलहाल, जैसे कि अभी जो गार्डन हो रहा है उसमें कई गो ऑर्किड लगता है। अगर इस तरह का अगर आप जानना चाहते हैं ना कि अगर इस तरह का डेकोरेशन हम जो किए हैं सिंपल डेकोरेशन, देश में कितना ऑर्किड लगा है, कितना लीची पत्ता लगा है, तो आप गिनती करके देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा लगा, तीसरा लगा, तीसरा लीची पत्ता लगा, और मेरे ख्याल से एक वो लीची पत्ता और इसमें लगाया जाएगा शायद, नहीं या लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, ठीक है, बस नहीं लगेगा। और 3 से 4 लीची पत्ता लगा है, क्योंकि लीची पत्ता जो है ना उसका जो साइज है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जिसका जो भी फ्लावर का जितना बड़ा साइज होगा उतना कम लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी साइज का जो भी फ्लावर का जितना बड़ा साइज रहेगा वो कम लगता है। उसके बाद फिर ऑर्किड का गार्डन किया जा रहा है, बस इसी हिसाब से गार्डन होते रहता है, ठीक है। ऑर्किड लीची पत्ता, ऑर्किड फ्लावर, लीची पत्ता, ऑर्किड फ्लावर, अगर काम जल्दी खींचना है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर आप इस फ्लावर से अगर आप काम करते हैं, जैसे कि लीची पत्ता हुआ, ऑर्किड हुआ, इस सब का जो अगर काम करते हैं तो आपका जो है काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। साइट पर अगर आप लेट से भी पहुँचते हैं ना, तो इस तरह का फ्लावर अगर आपके पास है तो आपका काम बहुत जल्दी खींचा जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। टाइम नहीं लगने के पीछे कारण क्या है, इसमें सिक्की नहीं लगाना पड़ता है, जैसे कि कार्नेशन में जो है ना झाड़ू का सिक्की लगाइए, उसमें गार्डन करने के बाद उसमें अति कच्चा पत्ता लगाइए, इस तरह का बात इसमें नहीं है। इसमें कच्चा पत्ता नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप सामने में आप देख ही रहे हैं, इसमें कच्चा पत्ता लगाने का जरूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि चूँकि आप लोगों को भी मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से मैं वीडियो लाता रहता हूं, ठीक है ना। वेडिंग फ्लावर लाइन से मैं वीडियो लाते रहता हूं, और पूरा डिटेल भी वीडियो अपलोड करता हूं और फाइनल वीडियो भी अपलोड करता हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे या बेल आइकन को दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा तब तक आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, और उसको ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा पूरा डिटेल के साथ, चूँकि लगन अभी बाकी है, काम अभी बाकी है। बस इसी हिसाब से आपको गार्डन देखते जाना। वीडियो को आप जो है ना एंड तक देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए अगर काम सीखना है तो, ठीक है ना। काम सीखना है तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहीं पर कि कपड़ा कैसे लगाना है, फ्लावर कैसे लगाना है, ओसिस कैसे लगाना है, टोटल का टोटल चीज़ जो है इस वीडियो में दिया गया है, ठीक है। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। और खुद से मैं बार बार इस चीज़ को करा कि मैं आप खुद से भी इस तरह का काम आप कर सकते हैं, कोई भी मिस्त्री का ज़रूरत नहीं है, किसी भी मिस्त्री का ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह का काम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसका जो फ्रेम का जो साइज है उस साइज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। इसका फ्रेम का साइज आपको समझ में आ जाएगा, अगर फ्रेम का साइज आपको पता रहेगा तो इस तरह का काम आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखिए, इसका फ्रेम का साइज मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेम का साइज क्या है। देख लीजिए, सबसे पहली बात है इसका फ्रेम का साइज जो है, जो अभी जो पिलर दिख रहे हैं ना, 7x4 का है, 7
7x4 मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दोनों साइड से 7 फीट का पिलर है, उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर बांध दिया गया है। बात को समझ गए ना? दोनों साइड से 7 फीट का पिलर है, उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर बांध दिया गया है। अब इसमें जो फ्रेम लगेगा, फ्रेम का भी मैं शायद आपको बता दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टोटल का टोटल फ्रेम का शायद मैं आपको समझा दूंगा।
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्रेम का साइज मैं आपको बता दूंगा। ये तो गेट का फ्रेम हुआ, ठीक है ना। ठीक है, 8x8 का जो राउंड है, 8x4 का राउंड, तो गेट का हुआ ये। तो स्टेज का फ्रेम आप समझ लीजिए, स्टेज का जो फ्रेम है, शुरू शुरू में मैंने बीच में मैंने तो आपको बता ही दिया था कि जो 7 फीट का दूगो पिलर है, ठीक है ना, 7 फीट का दूगो पिलर है, उसके ऊपर से जो है 4 फीट का पिलर बांध दिया गया है। ठीक है, 7 फीट का दूगो पिलर खड़ा है, उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर है। गेट का जो है ये हो गया आपको 12x, समझे, 12 फीट का बीम पे 8x4 का राउंड बांध दिया गया है। गेट का हुआ स्टेज का मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टेज में जो लगाया गया है फ्रेम, फ्रेम का साइज क्या है। तो फ्रेम का आप साइज समझ लीजिए, सबसे पहले तो 20 सेंटर में जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 20 सेंटर में जो है दोनों साइड से 7 फीट का पिलर, उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर है। उसके बाद आप आ जाइए, 7x4 का पाटा है, उसके बाद इधर से भी आ जाइए आपको 7x4 का पाटा है। बात को समझ लीजिए, दोनों साइड से 7x4 का दूगो पाटा है, ठीक है ना, दोनों साइड से 7x4 का दूगो पाटा लगाएगा और 20 सेंटर में 7 फीट का दूगो पिलर, उसके ऊपर से जो है 4 फीट का एगो पिलर बांध देगा। पाटा को जो है पिलर के सटा करके जो पाटा बांधा गया है उसको ऊपर उठा दिया गया है, ठीक है ना, बात को समझिएगा, उसको ऊपर उठा के बांधा गया, जैसे कि नीचे से देख रहे खाली जगह है, उसको ऊपर उठा के बांधा गया है ताकि स्टेप बाय स्टेप का जो प्रश्न होता है डेकोरेशन करने का सिस्टम, उस तरह का इसमें सिस्टम बनाया गया है। पाटा दोनों एक ही रंग का था, देखिए सबसे पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। पाटा दोनों एक ही साइज का था, दोनों का साइज था 7x4 ही, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए जो है, पहला पाटा है को जिसमें व्हाइट या पीला कपड़ा लगा हुआ है, पहला पाटा को पिलर में ही ऊपर चढ़ा करके बांध दिया गया है। बाकी दूसरा जो पाटा है जिसमें पिंक कलर का कपड़ा लगा हुआ है, उसको सीधा स्टेज पर रख दिया गया है। तो हो गया छोटा बड़ा, जैसे उस साइड भी उस साइड भी उसी हिसाब से सेटिंग किया जा रहा है, देख रहे हैं ना, उसी हिसाब से उस साइड भी उसको सेटिंग किया जा रहा है। पाटा को, पहला पाटा को जो है पिलर के सटा करके जो है पहला पाटा को हल्का सा ऊपर उठा करके नीचे से 6 इंची उठा रहे, अभी देख रहे हैं 6 इंची या 1 फीट जो भी हो उठा हुआ है, उसको बांध दिया गया है। उसके बाद दोनों साइड से जो पाटा को स्टेज पर ही रख करके पाटा को एक दूसरे में बांध करके उसको कर्व कर दिया गया है। डेकोरेशन जब भी आप करते हैं ना, तो पाटा को जब जो भी फ्रेम खड़ा जो होता है उसको एक दूसरे से अटैच कर दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है, एक दूसरे से अटैच कर दीजिए ताकि ये गिरे नहीं। और प्लस बैक साइड से भी पंडाल का जो बांस का फ्रेमिंग हो या कहीं भी अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सपोर्ट मिले तो उसको सपोर्ट जरूर दीजिए। फ्रेम को आपको सपोर्ट देना जरूरी है, तो ही जो है आपका फ्रेम आराम से खड़ा रहेगा, टेंट रहेगा, ठीक है। तो फ्रेम का साइज आप समझ गए। बाकी जो पाटा में खाली खाली आपको दिख रहा था उसमें टोटल में मनी प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है ना, यही मनी प्लांट हुआ। उसके बाद इसमें पानी पानी कपड़ा लगाया जाएगा। पानी पानी कपड़ा लगाने के बाद जो है आपका डेकोरेशन पूरा फाइनल हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका फाइनल डेकोरेशन हुआ। स्टेज का साइज जो है 14x8 है, ठीक है, 14 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा 8 फीट चौड़ा हुआ। आप फ्रेम का साइज तो आप समझ गए हैं कि 4x7 फीट का पाटा है, 2x7 फीट का पिलर है, एगो जो है 4 फीट का पिलर है। तो 7 फीट के पिलर पे उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर बांध दिया गया है, दोनों साइड से 7x4 का दो पाटा लगल है और पानी पानी कपड़ा का इसमें काम कर दिया गया है। एकदम सिंपल काम है, लेकिन देखने में थोड़ा बेहतरीन लग रहा है। अगर इसमें अगर लाइट लगा देने के बाद जो है इसका लुक जो है और खिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहिए, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा पूरा डिटेल के साथ।